चुनाव आज चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। जो देश के दुश्मन हैं, वे चुनाव के दौरान मोदी जी के पक्ष में जो माहौल है, इस माहौल को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी। चुनाव आज चरम पर पहुंच चुका है। स्वाभाविक रूप से जो देश के दुश्मन हैं, वे चुनाव के दौरान मोदी जी के पक्ष में जो माहौल है, इस माहौल को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पूरे देश के लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो और राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं भारत के प्रति। कि कांग्रेस आजादी के बाद अपने मार्ग से भटक गई। उसने अपने स्वार्थ के लिए पहले देश का विभाजन किया, फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह देश के अंदर जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीतियों को उसने आगे बढ़ाया था, तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम था देश के अंदर अलगाववाद और उग्रवाद चरम पर पहुंचा। कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद भी तेजी के साथ फैला था। वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है और एक जो सकारात्मक माहौल देश के अंदर बना है, विकास का माहौल बना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बेहतर माहौल बना है और प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल रहा है, स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में है। और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीतियों से देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जोरदार जवाब देकर के उनकी मंशाओं पर पानी फेरने का काम करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश के अंदर सरकार बनाएगी।